गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिसमें हनुमान बाहुक, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था, एक महिला पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियमानुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। तब तुलसीदास जी ने उस औरत सहित सभी को हनुमान जी के साथ साथ राम नाम का जाप करने के लिए कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात जब बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा और कहा कि कोई चमत्कार दिखाए। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे ही उसे बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ करते रहे। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक सूझवान बादशाह था, इसलिए इसका कारण समझते उसे देर नहीं लगी। उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांग कर कारागार से उन्हें मुक्त कर दिया और आदर सहित उन्हें विदा भी किया। हालांकि इस लोकसभा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अकबर और तुलसीदास जी के मिलने की बात कई इतिहासकारों ने कबूल की है।